आयकर विभाग ने गुरुग्राम में स्थित 150 करोड़ रुपए के होटल को बेनामी संपत्ति के तहत जब्त कर लिया है। जांच में पता चला कि ये बेनामी संपत्ति हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे और कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई और चंद्र मोहन की है। आयकर विभाग ने ये कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1988 धारा 24 के तहत की है। आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई यानी BPU ने ये कार्रवाई की है। आयकर विभाग के जरिए जब्त की गई संपत्ति का मालिकाना हक ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, जिसमें 34% शेयर दूसरी कंपनी के नाम पर है जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड है। ये कंपनी संयुक्त अरब अमीरात से चलाई जाती है। आयकर विभाग ने ये कार्रवाई जुलाई 2019 में कंपनी से जुड़ी जांच में सबूत के आधार पर की है। इस जांच में आयकर विभाग को कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे कंपनी के मालिकाना हक पर शक हुआ था। ब्रिस्टल होटल के स्वामित्व को लेकर आयकर विभाग ने अनियमितता पाई थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए बेनामी संपत्ति को जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के कथित बेनामी शेयरधारक बिश्नोई परिवार के बेहद करीबी हैं। इस संपत्ति के बारे में फैसला लेने का मालिकाना हक बिश्नोई परिवार के पास ही है। ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड में शेयरों के अधिग्रहण के लिए भुगतान का अंतिम फैसला भी बिश्नोई परिवार के जरिए ही किया गया था और वो भारत और विदेशों में स्थित अपने सहयोगियों के जरिए इस पर नियंत्रण रखते थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।